मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। Let this is the current carrying coil having radius A. Radius A, O be the center. This is the direction of current. यहाँ पर हम DL element मान लेते हैं, ये DL element की direction है और DL element R vector के साथ 90 degree का angle बनाता है। तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर, according to Biot-Savart law, DB is equal to mu naught upon 4 pi I DL sin theta upon R square. Here theta is equal to 90 degree, R is equal to A. This implies that DB is equal to mu naught upon 4 pi I DL upon A square. B is equal to mu naught upon 4 pi a square integration of dl. Therefore b is equal to mu naught I divided by 4 pi a square into circle total length 2 pi a. Therefore this is mu naught I upon 2a. If there are n turns, then B is equal to mu naught N I divided by 2A. Direction is given by right hand palm rule. जैसे हम इसमें right hand palm rule apply करके चलें, तो हम अपने right hand को ऐसे erect करेंगे और जब ऐसे इरेक्ट करेंगे तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे, तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। फिंगर्स इफ आर अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट देन इरेक्टेड थंब of right hand gives direction of magnetic field. In above figure it is outward. Magnetic field due to arc alpha I B is equal to mu naught I upon 2A multiplied by alpha upon 2 pi. 2 pi complete circle. Complete circle के लिए mu naught I divided by 2a. तो alpha angle के लिए alpha upon 2 pi से हम इसको multiply कर देंगे. तो semicircle म्यू नॉट आई अपॉन 4a, क्वार्टर सर्कल सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल म्यू नॉट आई अपॉन 8a।
magnetic field along the axis of a current carrying coil. Let this is the current carrying coil. This is x-axis. And the current carrying coil is placed in yz plane having radius a. The distance where we require magnetic field is x, the point p. Let us consider the current element at a, this point is o, of length dl. This is x square plus a square square root, that will be equal to r. This is the dl vector. Db is equal to mu naught I upon 4 pi a square dl sin theta. यहां पर a is equal to x square 4 pi r square. यहां पर r is equal to x square plus a square square root है और theta is equal to 90 degree है, समझने का है. How theta is equal to 90 degree? मान लेते हैं ये dl एलिमेंट y एक्सिस के ऊपर है, तो हमारे पास r वेक्टर जो हो गया वो yz प्लेन के ऊपर हो गया, और ये डायरेक्शन r वेक्टर की है. कौन सी डायरेक्शन r वेक्टर की है? ये वाली डायरेक्शन r वेक्टर की है. और dl वेक्टर किधर होगा? इससे ऊपर होगा, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड. तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा हर जगह पर. इसलिए थीटा किसके बराबर होगा? आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपका ये कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है. और पी पॉइंट कौन से एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है. तो कोई भी लाइन हम अगर डाल करके चलेंगे तो वो आपकी परपेंडिकुलर होगी. तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अलोंग ए डायरेक्शन पी एन परपेंडिकुलर टू ओ पी. ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है? डी एल क्रॉस आर होता है. तो dl की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड, जैसे हमने यहां पर देखी थी. और r की डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन हमारे पास किस चीज की हो गई? db की डायरेक्शन हो गई. अब इस db के दो कंपोनेंट करे जा सकते हैं, ये phi, तो ये भी phi. इधर हो गया आपके पास db cos phi, इधर हो गया हमारे पास db sin phi. db कैन बी रिजॉल्वड इन टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट डी बी साइन फाई अलोंग द एक्सिस, सेकेंड डी बी कॉस फाई परपेंडिकुलर टू एक्सिस. बाय सिमेट्री इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस फाई विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर के ऊपर मान करके चलेंगे तो db की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और db cos phi की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो db cos phi का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा. तो आपके पास b विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db sin phi अलोंग द एक्सिस. तो ये हो गया हमारे पास, db की वैल्यू है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई
x square plus a square dl, और sin phi की वैल्यू परपेंडिकुलर a अपॉन x square plus a square square root इंटीग्रेशन, सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो ये आपके पास हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए. इन जनरल दिस इज म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. ए और रह गया ए स्क्वायर. तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई. हम एक चीज रखते हैं, 4 एन टर्न्स B will be equal to mu naught n I a square divided by 2 x square plus a square raised to the power 3/2, or B is equal to mu naught upon 4 pi twice of n into I into pi a square divided by x square plus a square raised to the power 3/2. और B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ एन आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. एन आई ए इज ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मैग्नेटिक मूमेंट. एम इज इक्वल टू एन आई ए, कोई करंट लूप है अगर उसमें से आई करंट फ्लो कर रहा हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो और नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो मैग्नेटिक मूमेंट किसके बराबर होगा? एम के बराबर होगा. तो बी किसके बराबर हो गया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इफ x ग्रेटर ग्रेटर देन a. तो आपके पास यहाँ से समझ में आता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर था ट्वाइस ऑफ p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, कुछ उसी तरह से अगर ये p हमारा डायपोल मोमेंट है तो ये भी हमारा डायपोल मोमेंट होगा. इसको क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट.